जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का हाई वोल्टेज मुकाबला आज भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। श्रीलंका के खिलाफ इस मुकाबले की शुरुआत होने से पहले ही कप्तान रोहित शर्मा ने अचानक से अपनी प्लेइंग 11 में चार बड़े बदलाव कर दिए हैं। कप्तान रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ इस मुकाबले की शुरुआत होने से पहले ही भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में ऐसे चार बुकेजरों की एंट्री करा दी है, जिसके भारतीय टीम में शामिल हो जाने से भारतीय टीम की प्लेइंग 11 इस मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ काफी ज्यादा मजबूत हो गई है। और भारतीय टीम के इन सभी चार खतरनाक बुकेशेरों को देखकर श्रीलंका के टीम के सभी खिलाड़ी पूरी तरीके से सदमे में चले गए हैं और श्रीलंका की टीम को भारतीय टीम के हाथों हार का डर सताने लगा है। श्रीलंका के सभी खिलाड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारतीय टीम कितनी खतरनाक फॉर्म में चल रही है और भारतीय टीम के खिलाड़ी कितने खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं। एशिया कप में फाइनल में श्रीलंका की टीम को भारतीय टीम ने कितने अच्छे तरीके से कुचला था। इसलिए दोस्तों, इस मुकाबले की शुरुआत होने से पहले ही भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कौन कौन से चार बुकेशेरों की एंट्री करा दी है और क्या रहने वाली श्रीलंका की टीम के खिलाफ भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11, बताएंगे आज की वीडियो में पूरी खबर। साथ ही दोस्तों, आपको यह भी बताने वाले हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच यह मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपको क्या लगता है कि इस बार हमारी भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2023 का चैंपियन बन पाएगी या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट हमें जरूर दिखाएं। चलिए दोस्तों, आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि भारत और श्रीलंका की टीम के बीच वर्ल्ड कप 2023 का सातवां महामुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर खेला जाएगा। और आपको बता दें कि यह मुकाबला काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और रोमांच होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यदि श्रीलंका की टीम भारत की टीम से हार जाती है तो वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, श्रीलंका की टीम भारतीय टीम के खिलाफ सारी जी जान से खेलने वाली है और अगर हमारी भारतीय टीम यदि श्रीलंका की टीम को हरा देती है तो अपनी सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगी। आइए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि कप्तान रोहित शर्मा ने श्रीलंका की टीम को हराने के लिए कौन कौन से खिलाड़ी को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि ओपनिंग बैटल में कप्तान रोहित शर्मा के साथ सुमन गिल बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। एक बार फिर से श्रीलंका की टीम की धज्जियां उड़ाने के लिए रोहित शर्मा और सुमन गिल भारतीय टीम की पारी की शुरुआत करने के लिए आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही बल्लेबाज ओपनिंग बैटल में आकर काफी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से विरोधियों के परखचे उड़ाते हैं। खासकर रोहित शर्मा और वर्ल्ड कप 2023 में खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं। पिछले मुकाबले में रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से खतरनाक बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के खिलाफ 101 रनों में 10 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 80 रनों की खतरनाक पारी खेली और इंग्लैंड के गेंदबाजों की पिटाई कर भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। वही दोस्तों, इन दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों के अलावा तीसरे नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली को खेलने का मौका दे दिया है, क्योंकि दोस्तों विराट कोहली अभी काफी खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं और लेकिन दोस्तों पिछले मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन आपको बता दें कि न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ 95 रनों की खतरनाक विस्फोटक पारी खेलकर भारतीय टीम को जीत दिलाई थी। आपको बता दें कि विराट कोहली भी अभी खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं, इसलिए दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने तीसरे नंबर पर विराट कोहली को भारतीय टीम में शामिल कर लिया। वहीं दोस्तों विराट कोहली के अलावा चौथे नंबर की बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी प्लेइंग 11 में सुरेश अय्यर को शामिल कर लिया है। सुरेश अय्यर भी अभी काफी खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं। पिछले मुकाबले में सुरेश अय्यर ने 16 गेंदों का सामना कर 4 रन ही बना पाए थे, लेकिन दोस्तों पिछले मुकाबलों में भी उनका अच्छा प्रदर्शन रहा है। वहीं सुरेश अय्यर के अलावा पांचवें नंबर की बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा ने विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है, क्योंकि दोस्तों कल केएल राहुल ने भी काफी खतरनाक बल्लेबाजी की और अपने बल्लेबाजी से इस मुकाबले में 58 रनों का सामना कर 39 रनों की खतरनाक पारी खेली थी। जबकि दोस्तों केएल राहुल के अलावा छठे सातवें नंबर पर हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा खेलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले में श्रीलंका की टीम के खिलाफ हार्दिक पांड्या की वापसी हो गई है। ऐसे में दोस्तों भारतीय टीम की प्लेइंग 11 इस मुकाबले में काफी ज्यादा मजबूत हो गई है। रविंद्र जडेजा भी काफी खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं और अपनी गेंदबाजी से ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि दोस्तों इन दोनों ही ऑलराउंडरों के अलावा इस मुकाबले में 8वें, 9वें, 10वें और 11वें नंबर पर मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह को भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें कि मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह पिछले मुकाबले में काफी खतरनाक गेंदबाजी की थी और इंग्लैंड के बाजू की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। इंग्लैंड के खिलाफ मोहम्मद शमी ने 4 विकेट लिए तो वहीं बुमराह ने 3 विकेट अपने नाम किए। ये थी हमारी भारतीय टीम की खतरनाक फॉलोइंग प्लेइंग 11 जो कि श्रीलंका की टीम के खिलाफ इस मुकाबले में खेलने वाली है। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।